ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का पहला चरण। देखिए, जुलाई के पहले चरण में कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और कई ग्रहों के परिवर्तन को समझें तो वृषभ राशि वालों के लिए परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाव जो आपका पराक्रम का भाव माना जाता है, वहां पे कई ग्रहों का परिवर्तन होगा। चतुर्थ भाव में परिवर्तन हो रहा है, यानी मंगल शुक्र बुध ये तीनों ग्रह, मंगल साहस का प्रतीक और शनि महाराज के समक्ष जा रहे हैं ये ग्रह, यानी अंतकरण और साहस जो है वो आपस में टकराव। मंगल शनि का टकराव बड़ा खतरनाक होता है, प्राकृतिक आपदाएं, विस्फोट और कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने वाला, तो संसार के लिए भी ठीक नहीं है। 50 दिन के लिए योग बन रहा है, इसके लिए अलग से वीडियो हमने बनाया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है आपके जीवन में। आपको समझ लेना चाहिए कि विशेष तौर पर जुलाई के पहले चरण में क्या कुछ कर सकते हैं ये ग्रह। साथ साथ शुक्र और बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो सिलसिलेवार तौर पर समझ लीजिए कि ये दिनों में क्या कुछ होने के योग हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जुलाई की। तो 1 जुलाई को यदि हम बात करें तो पंचांग के अनुसार से शनिवार का अवसर है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस दिन शनि प्रदोष हो गया है। बहुत सुंदर तिथि बन गई है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट योग बनता है शनि प्रदोष। शनि के समस्त दोषों को दूर करने के लिए शनि मंगल का योग जिस दिन बन रहा है उसी दिन शनि प्रदोष पड़ गया है, तो कोशिश करें उस दिन शाम को विशेष तौर पर तेल के द्वारा भगवान का शंकर का अभिषेक करें। भगवान शिव पार्वती संसार में भ्रमण करते हैं प्रदोष के समय पर, इस प्रदोष के समय में विशेष तौर पर प्रदोष तिथि में, और कहा जाता है उनका स्तवन जो करते मिलते हैं भगवान को उनके समस्त कष्ट दूर करने के योग बनते हैं। तो शनि को मनाने के लिए, मंगल को ठीक करने के लिए, क्योंकि मंगल उसी दिन सुबह सुबह परिवर्तन करके सिंह राशि में आ रहे हैं और सामने जागृत हो रहे हैं। विशेष तौर पर आप समझें कि कमजोर चल रहे थे, शीर्ण चल रहे थे, कर्क में सबसे कमजोर थे, अब ताकत में आ गए हैं और ताकत से मंगल शनि के साथ लड़ेंगी, ऐसा ना करें तो इसके लिए अनुकूल उपाय कर लीजिए, लाभ प्राप्त होगा। हमने रास्ता आपको बताया, आपके लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। वैसे जो परिवर्तन है आपकी राशि में, सामने चंद्रमा चल रहे हैं, चंद्रमा भी थोड़े क्षीण है, मन में आत्मबल बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए और इस उपाय से दोनों प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। 2 जुलाई के दिन विशेष तौर पर रविवार का अवसर है, चतुर्दशी पर पूर्णिमा का योग पड़ रहा है, तो इसलिए सत्यव्रत उसी दिन किया जाएगा। रविवार के दिन सत्यव्रत करने का योग बनेगा, तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। रविवार के दिन भगवान विष्णु, भगवान सूर्य का ध्यान दर्शन करते हुए, उनको अर्घ देते हुए दिन का आरंभ करें, सबसे शुभ उपाय है। उस दिन गंडमूल नक्षत्र भी है, 2 और 3 तारीख को दोनों गंडमूल स्थिति रहेगी, तो जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा, अन्यथा जातक भारी रहेगा परिवार पर और स्वयं पर भी। चंद्रमा का जो परिवर्तन जो हो रहा है वो थोड़ा भारी दिखाई देता है, सुबह का समय थोड़ा शुभ है, शाम के समय थोड़ा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत, सत्यनारायण जी की इस कलिकाल में पूजा समस्त प्रकार के मनोरथ और कष्टों को दूर करने वाली है। ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 3 जुलाई को ग्रहों का योगायोग जो दिखा रहा है पंचांग, बहुत शुभ तिथि का निर्माण हो रहा है। उस दिन व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो ऐसे में कहा जाता है कि जो गुरु का आशीर्वाद ले लेते हैं, माता का आशीर्वाद ले लेते हैं, उनके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए, कौरव पांडवों की कथा आपको प्राप्त याद होगी, कौरव लड़ रहे थे पांडवों के साथ, कौरवों के साथ समस्त कोई भी आशीर्वाद नहीं था, पांडवों के साथ आशीर्वाद था और इसीलिए भगवान कृष्ण वहां विद्यमान थे। इतनी बड़ी सेना के साथ युद्ध हुआ और हरा दिया आशीर्वाद के कारण से, इसलिए गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। देखिए, कल्याण के योग बनेंगे, आपके लिए बहुत शुभ तिथि का निर्माण हो रहा है। इस दिन ग्रह विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से थोड़े भारी हैं, आशीर्वाद से शुभ योग बन सकता है, इसलिए माता का, अपने पिता का और गुरुजन का आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं 4 जुलाई के लिए हम बात करें तो उस दिन तिथि की बहुत शुभ आगमन हो रहा है, सावन का महीना शुरू हो रहा है। मंगलवार के दिन सावन का महीना शुरू हो रहा है और कहा जाता है कि यदि कोई शुभ अनुष्ठान इस दिन आरंभ किया जाए तो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला होता है। सावन के पहले दिन से हमने सोचा है कि हम विवेकानंद योगाश्रम में एक सुंदर तरीके से, सावन इस बार बहुत खास है, पहले तो समझ लीजिए 60 दिन का सावन है, आमतौर पर 30 दिन का महीना होता है ना देसी तिथि के अनुसार से, इस बार लंब का महीना, लौंद का महीना सावन में ही आ गया है और बहुत सुंदर योग बना रहा है, रेयरेस्ट ये योग बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास, वर्षों बाद ये योग बना है। और एक बात और समझ, सिद्धांत के तौर पर हमने कई के माध्यम से बताई भी है कि देव शयनी एकादशी जब आषाढ़ की एकादशी भी होती है तो देव सो जाते हैं, विष्णु भी सो जाते हैं और सत्ता शिव के हाथ में आ जाती है और शिव एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं, पानी के लोटे से,
तो कोशिश करें शिव को मनाने का प्रयास 60 दिन लगातार यदि कर लें तो वारे न्यारे कर सकते हैं। हमने इसी चीज को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में 60 दिन तक सामूहिक तौर पर रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन किया जो नित्य प्रति चलेगा। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में शाम के समय 6 बजे से लेकर रात्रि में करीब 8-8:30 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप आइए, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, गन्ने के द्वारा, शहद के द्वारा, भस्म के द्वारा, समस्त तिलोदक के द्वारा अनेक प्रकार से भगवान शिव को मनाने का प्रयास किया जाएगा और रुद्राष्टाध्यायी के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए आप भी उसमें सम्मिलित हो, आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। ग्रह विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुभ सूचना दे रहे हैं, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। सुबह का समय आपके लिए थोड़ा भारी रहेगा। यदि वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो शाम के दोपहर के बाद आपके लिए ग्रहों का समय का अनुकूल होना दिखाई देता है। आपको उस समय पे काम करने का प्रयास करना चाहिए, सुबह के समय थोड़ा सा त्याग करना चाहिए जरूरी काम को छोड़कर। शाम को उस दोपहर के बाद 1:47 के बाद इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को करने का प्रयास कीजिए, वो पॉजिटिव जाएंगी आपके लिए। वहीं 5 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार है, द्वितीया तिथि है और विशेष तौर पर ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है। आपकी सरलता से लोग प्रभावित होंगे और आपके लिए द्वारा उसमें कार्यों में संपादित करने में सफलता प्राप्त करने के अवसर आपको मिल सकते हैं, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। आपका ओरा जो है वो इस प्रकार का हो सकता है कि जो पॉजिटिव चेंजेस आपको दे दे। 6 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और चतुर्थी उसके बाद आगमन हो जाएगी, लेकिन चतुर्थी क्षय हो रही है उस दिन और साथ साथ गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है, तो चतुर्थी रिक्ता तिथि होती है। नए कार्य को आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं है, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपके ग्रह अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, 2-2 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और करीब करीब 1:41 पर चंद्रमा परिवर्तित होकर कुंभ राशि में जाएंगे जो आपके दशम भाव में बैठेंगे जो आपको सफलता का योग बनाएंगे। वहीं शुक्र जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य के मंगल के साथ आके बैठ जाएंगे सुबह सुबह अगले दिन, तो विशेष तौर पर ये दोनों के दोनों योग आपके लिए लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये स्थिति विशेष तौर पर आमने सामने बनेगी चंद्रमा, तो ये बहुत शुभ रहेगा, सांसारिक सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन आप अपनी यदि अपनी अपनी चलाएंगे तो अकेले पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्र चंद्रमा आपके मन को शांत करेंगे लेकिन मंगल एग्रेसिव करेगा, शनि मंगल का टकराव जो है वो एग्रेसिवनेस ला रहा है, तो कोशिश करें शांत होकर दूसरे की बात को भी तवज्जो देने का प्रयास कीजिए, यही सबसे बड़ा उपाय। इस बात का ध्यान रखते हुए गणेश जी का ध्यान करें, गणेश जी को लड्डू अर्पित करें, आपके कष्ट दूर होंगे। वहीं हम बात करें 7 जुलाई की, तो 7 जुलाई को शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और सावन की पंचमी तिथि विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि होती है, काल सर्पयोग को शांत करने के लिए सबसे शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन शास्त्र में वर्णित इस काल सर्पयोग दोष को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित होती है। अब काल सर्पयोग की बात आई है तो इस बात को भी समझ लें कि कुछ ही कुंडलियों में काल सर्पयोग होता है, लेकिन आजकल कई लोगों के मन में विडंबना ही उत्पन्न हो गई है, तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों के पास चले जाते हैं विद्वानों के पास और वो हर एक को भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं, तेरी कुंडली में काल सर्पयोग है, तेरी कुंडली में काल सर्पयोग है, और व्यक्ति परेशान होकर घूमता रहता है। ऐसे में हमने सुंदर व्यवस्था बनाई है, आप हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर अपनी परेशानियों को जानने के लिए आप जान सकते हैं और निवारण कर सकते हैं कि काल सर्पयोग है कि भी नहीं है। हमने स्वयं देखा कि 85% लोग जो हमारे पास आते हैं उनमें काल सर्पयोग होता ही नहीं है और वो बेचारे परेशान घूम रहे थे कि काल सर्पयोग उनको बता दिया गया था। केवल कुछ रेयरेस्ट कुंडलियों में काल सर्पयोग का योग बनता है, तो उसको ठीक करने का अवसर आपको प्राप्त है इस सुंदर तिथि में। काल सर्पयोग यंत्र को स्थापित करके अपने यदि आप घर पर रख लेते हैं तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक काल सर्पयोग आपको परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन साल फिर सावन आएगा, उसको सिद्ध करा लीजिए इस यंत्र को और फिर रख लीजिए, फिर आपके लिए काल सर्पयोग, जो कहते हैं कि एक बार काल सर्पयोग का उपाय करके खाना रोज खाना पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक बार कराकर, यदि ऐसा हुआ तो आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या आपके कष्ट दूर हुए, नहीं दूर हो सकते इस प्रकार से। तो आप समझे शास्त्र में जो वर्णित जिस प्रकार के उपाय हैं उन्हीं प्रकार से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं यदि 8 जुलाई की बात करें तो शनिवार का अवसर है और उस दिन जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उस दिन षष्ठी तिथि है, मीन राशि में जा रहे हैं चंद्रमा करीब 3 बजे और साथ साथ कर्क राशि में जा रहे हैं बुध दोपहर को 12:14 पर। ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन हमारी दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, दोनों के दोनों आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर बनाने वाले हैं और इसका लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन बुध अस्त है, 4-5 दिनों बाद उदय हो जाएंगे, लेकिन उस स्थिति में 8 तारीख को तो अस्त स्थिति में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे में बुध का उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में बुध का जो उपाय है सबसे बढ़िया ये है कि गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें और भगवान का अभिषेक करके भगवान दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। भगवान शंकर का सावन का महीना चल रहा है, इसके अनुसार से ये उपाय बता रहे हैं, करें, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। 9 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है और अष्टमी का आगमन होगा, तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रह आपके पॉजिटिव दिखा रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे और आपके लिए आपके मनोनुकूल
रास्ता बनाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा आपकी लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, बाकी ग्रह आपके लिए जो योग बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली लाभ के रास्ते बन सकते हैं, थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर काम करने की जरूरत है। और साथ साथ उस दिन कालाष्टमी है, तो भगवान शिव और पार्वती दोनों का पूजन करें, सुबह सुबह भगवान शिव का विशेष तौर पर भगवान सूर्यनारायण को जल दें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं 10 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है, सावन का पहला सोमवार का योग पड़ रहा है। सावन का पहला सोमवार सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ा शुभ माना जाता है, तो कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आपके ग्रहों का योग दिखाता है कि सुबह का समय या शाम तक का समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, शाम को मेष में जाएंगे चंद्रमा, वो आपके लिए थोड़ा कष्ट का योग बना सकते हैं, नुकसान का योग दे सकते हैं, तो इसलिए दिन दिन में अपने कार्यों को पूर्ण करें पॉजिटिवली। शाम के लिए जो मीट शाम का समय पूजन के लिए रखें, शाम का समय प्रदोष काल है, शिव का ध्यान करने का है, तभी आपका जो शाम वाला समय शुभ होगा, अन्यथा कष्ट देने के योग बन सकते हैं शाम के समय। कोशिश ये करें, हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सावन के पहले सोमवार पर बड़ा विशाल विशेष तौर पर रुद्राभिषेक रखा है भगवान शिव का, तो ऐसे में आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग दूर हैं अपना स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं, विद्वान पंडितों के द्वारा अभिषेक करा सकते हैं, आपके नाम से वो अभिषेक कराया जाएगा, तो आप उसके लिए अपना स्थान आरक्षित कर लें। फोन नंबर्स हमारे इस चैनल पर चल रहे हैं, उन सब पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।